प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट स्टारर अपकमिंग फिल्म जीले जरा क्या एक बार फिर हो गई है पुश, और इसका रीजन है फरहान अख्तर का डेट इशू। यस यू हर्ड इट राइट, पहले प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट की डेट्स के इशू की वजह से फिल्म डिले हुई और अब फरहान अख्तर के डायरेक्शन की जगह एक्टिंग में डाइव लगाने के चलते फिल्म हो रही है डिले। क्योंकि जीले जरा से पहले फरहान आमिर खान की कैंपियोनेस में एक्शन करते नजर आएंगे। भाग मिल्खा भाग हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फरहान अख्तर खुद को एक बेहतरीन एक्टर प्रूव कर चुके हैं, और ऐसा ही मौका एक बार फिर फरहान को मिलने जा रहा है आमिर खान प्रोडक्शन से, क्योंकि उन्होंने आमिर के लिए एज एन एक्टर साइन की है कैंपियोनेस की रीमेक। सोर्सेस से पता चला है कि आमिर ने जैसे ही कैंपियोनेस के बारे में फरहान को बताया, वो तुरंत फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। आरएस प्रसन्ना कैंपियोनेस रीमेक के डायरेक्टर होंगे और ये फिल्म आमिर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सोर्सेस का ये भी कहना है कि आरएस प्रसन्ना और टीम अगस्त से प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू करेंगे और ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पर जा सकती है। वहीं सोर्सेस का ये भी कहना है कि कैंपियोनेस कंप्लीट करने के बाद फरहान अख्तर उनके डायरेक्टोरियल वेंचर डॉन 3 की तरफ जाएंगे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल चाहता है कि 20th एनिवर्सरी पर अनाउंस की गई प्रियंका, कैटरीना और आलिया स्टारर जीले जरा का क्या होगा। लास्ट ईयर आलिया भट्ट के प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म डिले हो गई थी। ऐसे में हाल ही में जब फरहान अख्तर ने जीले जरा के लोकेशन हंट की पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, तो फैंस की उम्मीद एक बार फिर जग गई थी कि हो सकता है पीसी कैट और आलिया स्टारर जीले जरा शायद जल्द ही फ्लोर पर चली जाएगी। लेकिन फरहान अख्तर के एक्टिंग में उतरने की वजह से वो उम्मीद फिर टूटती नजर आ रही है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.